इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, एक नई स्कीम यमुना अथॉरिटी। जी हां, ईडा ने एक रिसेंटली एक नई अपडेशन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का रास्ता, जी हां, न्यू स्कीम का खोल दिया है आप सभी के लिए। सेक्टर 29, सेक्टर 32, सेक्टर 33 लोकेशन के साथ, किस रेट पे हैं, कितनी क्वांटिटी है प्लॉट्स की, सेक्टर वाइज जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास के ये प्लॉट्स हैं, ये मैं आपको इस डिटेल वीडियो में बताऊंगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 10 दिसंबर का समय बीतने दीजिए, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन चीजें आपके पास आएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि जनाब तीन वॉल्यूम में मैं आपको वीडियो पेश करने जा रहा हूं, तीनों जबरदस्त। सबसे पहला इंडस्ट्रियल, उसके बाद दो तीन स्कीमों का और सब यमुना एक्सप्रेसवे का। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रॉपर्टी ड्रीम्स के साथ बने रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, कहां पे ये पड़ते हैं। ये जनाब सेक्टर 29 है, मतलब हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली से आ रहे हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे है और ये आपका जेवर एयरपोर्ट है। तो यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक ऑन रोड सेक्टर 29 पड़ता है। तो सेक्टर 29 में जनाब, जी हाँ, सेक्टर 29 में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम पार्क का सेटअप के लिए प्लॉट्स निकाले गए हैं। कितने प्लॉट्स हैं मैं भी आपको बता देता हूं, वो भी आप देख लीजिए। दूसरा सेक्टर 32 में जनरल इंडस्ट्री और एमएसएमई और सेक्टर 33। तो ये तीन जगहों पे सेक्टर 29, 32, 33 में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की स्कीम लॉन्च हुई है। आपको मैं बता दूं कि इसकी डेट ऑफ जो ओपनिंग है ये 15 दिसंबर आज से शुरू हो गई है और 31 दिसंबर 2021 में खत्म हो जाएगी। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी वेबसाइट पे जाके उस ब्राउचर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फर्दर ये बता दें कि जब भी आपने इसको अप्लाई करना होगा, सबमिट करना होगा, तो आपको निवेश मित्र up.nic.in पे जाके आपको इसको सबमिट करना होगा। तो चलिए अलॉटमेंट का रेट, किस रेट पे ये अलॉट हुए हैं और साथ में कितने प्लॉट्स हैं, ये भी आपको डिटेल में बता देते हैं। आपको ये बता दें, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स हैं बहुत ही बेहतरीन सेक्टर्स हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि अभी इनकी रजिस्ट्री नहीं खुली, तो उस वजह से अभी विल और जीपीए पे ही इसका बाइंग और सेलिंग का खेल चलता है। तो अभी के लिए नो, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। अगर अलॉटमेंट आपका इसमें हो जाता है तो आने वाला वक्त बहुत ही बेहतरीन होगा आप सभी के लिए। तो चलिए जल्दी से डिटेल्स और अलॉटमेंट रेट्स आपको बताते हैं। जनाब सबसे पहले रेट ऑफ अलॉटमेंट की अगर हम बात करें, 4000 स्क्वायर मीटर तक का, मतलब कोई भी छोटा सा प्लॉट, जो सबसे कम छोटा प्लॉट 350 स्क्वायर मीटर का, मतलब और अगर वो 4000 स्क्वायर मीटर तक जाता है तो अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी की तरफ से रेट ऑफ अलॉटमेंट 7010 पर स्क्वायर मीटर, 7010 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है। अगर 4000 स्क्वायर मीटर से ऊपर आप जाते हैं अप टू 8000, तो उसका 5970, 8000 से 20000 का 5060 और 20000 से 40000 स्क्वायर मीटर का 4590 और 40000 से 80000 स्क्वायर मीटर का 4430 और अबव 80000 स्क्वायर मीटर 4260। तो चलिए अब मैं आपको लोकेशंस बता रहा हूं, कितने सेक्टर्स में कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स निकाले गए हैं वो भी आप देख लीजिए। तो अगर हम जनाब टॉय पार्क की बात करें जो सेक्टर 33 में है, उसमें जो साइज निकाला गया है वो 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, दो प्लॉट्स निकाले गए हैं, जी हाँ 7010 पर स्क्वायर मीटर के रेट पे निकाले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है लगभग रजिस्ट्रेशन अमाउंट, आपको इसका 7,01,000 आपको इसका जमा करना होगा। तो अब हम बात करते हैं सेक्टर 29 की, जो बहुत ही बेहतरीन मेन हाईवे यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे लगा हुआ है। तो वहां पे हैंडलूम के पार्क्स जो सेटअप होना है उसके लिए जो नंबर ऑफ प्लॉट्स जो टोटल निकाले गए हैं वो टोटल 8 प्लॉट्स हैं, जिसमें जो 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट का एक प्लॉट है, 595 का एक प्लॉट है, 1000 स्क्वायर मीटर का एक है, 1800 स्क्वायर मीटर के तीन है, 3000 स्क्वायर मीटर के दो है। अगर हम रेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो सभी का रेट 7000
10 पर स्क्वायर मीटर का रेट है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 450 के लिए आपको 315,450 देने होंगे, 595 स्क्वायर मीटर के लिए 417,095 देने होंगे, 1000 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 701,000 देने होंगे, 1800 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 1,261,800 जमा करने होंगे, 3000 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 21,03,000 आपको जमा करने होंगे। अब हम लास्ट आपको बता देते हैं जो जनरल इंडस्ट्री और एमएसएमई जिसके लिए सेटअप होना है सेक्टर 32 और सेक्टर 33, उसकी भी आपको डिटेल्स में बता देता हूं। इसमें जो नंबर टोटल ऑफ नंबर प्लॉट्स हैं वो 58 है, जिसमें 300 स्क्वायर मीटर के 10 प्लॉट्स हैं और 450 स्क्वायर मीटर के 18 प्लॉट्स हैं, 1000 स्क्वायर मीटर के 26 हैं, 1800 स्क्वायर मीटर के 4 प्लॉट्स हैं, टोटल 58 प्लॉट्स, जिसमें से जो 80% है वो रिजर्व रखा गया रिस्पेक्टिव कैटेगरी का, जिसमें 300 के 8 हैं, 450 के 14 हैं, 1000 के 21 हैं और 1800 के 4 हैं, टोटल 47, और 20% रिजर्व रखा गया है स्टार्टअप के लिए। जी हाँ, तो उनके लिए जो स्टार्टअप के लिए रखा गया है उसमें 300 के 2 हैं और 450 के 4 हैं, 1000 के 5 हैं और 1800 के कोई नहीं है, तो टोटल 11 हैं। अगर हम रेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करें, सभी का 7010 पर स्क्वायर मीटर का रेट है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट 300 का 210,300, 450 का 315,450, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना जमा करना है। अगर हम बात करें अबव 4000 स्क्वायर मीटर की जनाब, तो उसी में 4000 स्क्वायर मीटर के टोटल 6 प्लॉट्स हैं। अगर हम 7050 स्क्वायर मीटर की बात करें, तो उसके लिए जो पर स्क्वायर मीटर का रेट है 6560.10 पर स्क्वायर मीटर का है, और 10,000 स्क्वायर मीटर का भी एक प्लॉट है जिसकी 6204 पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट रखी गई है, और 12,000 स्क्वायर मीटर का जो एक प्लॉट दिया निकाला गया है उसका भी रेट ऑफ अलॉटमेंट 6013.34 पर स्क्वायर मीटर है। उसी तरीके से जो लास्ट है वो 20,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, उसके 3 प्लॉट्स हैं, उसके लिए रेट ऑफ अलॉटमेंट 5632 पर स्क्वायर मीटर की निकाली गई है। उम्मीद करता हूं ये तीनों कि तीनों आपको सेक्टर 29, सेक्टर 32, 33 की जो नई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की स्कीम है आपको समझ में आ गई होगी, किस रेट पे निकाले गए हैं और क्या रेट ऑफ अलॉटमेंट है और साथ में कितनी इसकी क्वांटिटीज हैं। तो उम्मीद करता हूं इसकी एलिजिबिलिटीज के लिए आप ब्राउचर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं जनाब, जो आपका उज्ज्वल भविष्य है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको एक चीज और बता दूं कि इसके बाद ये वॉल्यूम 1 है, इसके बाद मैं एक दूसरी वीडियो पेश करूंगा वॉल्यूम 2 जनाब, वो आपके रेजिडेंशियल आपकी जबरदस्त आपकी डेवलपमेंट का सीधा असर दिखेगा, क्योंकि वो भी बहुत जबरदस्त एक नया अपडेशन, क्योंकि एक नई स्कीम लॉन्च हुई है वो भी आपको अपडेशन दे देते हैं। तो चलिए वीडियो मिस ना करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही प्यार और सम्मान देते रहें। आप इतना जाते जाते कहूंगा, आपका इतना प्यार सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। मेरी हर वीडियो मेरे दिल से निकल के आपके सीधे आपके कदमों तक पहुंचाने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। कोई भी अपडेशन यमुना अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट का आपको मिस नहीं होना है, इस चैनल से ये हमारा वादा है। तो चलिए एक नया जबरदस्त अपडेशन मैं आपको वॉल्यूम 2 इसके बाद देने वाला हूं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी प्लॉट की सेलिंग नहीं करनी है, तो आपको असर उसका अब धीरे धीरे देखने को पता चलेगा। अब आपको पता चलेगा कि वाकई में आपको प्लॉट्स अपनी चीजें अपनी होल्ड करने के लिए आपको कितना फायदेमंद होने वाला है। थोड़ा थम जाइए, अभी वीडियोस और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। प्रॉपर्टी ड्रीम्स के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि अपने के चाहने वाले ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर पाए। बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए, मिलूंगा बहुत जल्द अभी एक नई वीडियो के साथ। चलिए तभी तक के लिए अलविदा, गुड बाय, धन्यवाद।